तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड्स का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये जो एक पॉइंट चार्ज है क्यू, जो कि एक स्पीयर के सेंटर पर प्लेस है, तो ये इतना फ्लक्स जो है बाहर निकाल रहा है। तो ये चीज़ फ्लक्स की वैल्यू गिवन है। फिर इस जो स्पीयर है इसका रेडियस गिवन है कि 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये बोल रहा है कि हम इस गॉसियन सरफेस की रेडियस को अगर डबल कर दें, दैट मींस इसका डबल 20 सेंटीमीटर कर दें, तो जो फ्लक्स है इस सरफेस से कितना हो जाएगा। तो पहली बात, जो गॉस थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/ε₀। ये चीज़ तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, ये चीज़ कॉन्स्टेंट है। तो ये ना फ्लक्स सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू इनसाइड। जो नेट फ्लक्स होता है वो सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज उसके अंदर है, ठीक है। इस चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करता कि उसका साइज़ कितना बड़ा है, ठीक है। वो चाहे 10 सेंटीमीटर का हो या 1000 सेंटीमीटर का, इट डजेंट डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द गॉसियन सरफेस। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्यू विच इज़ इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो भाई चार्ज तो सेम है ना, क्योंकि रेडियस चेंज कर रहा है, चार्ज तो नहीं चेंज कर रहा ना, और ये तो चार्ज पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स ये जो फ्लक्स है वो रिमेंस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। और फ्लक्स की वैल्यू अगर लिखनी हो तो हम फ्लक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। कितनी वैल्यू आएगी फ्लक्स की, जो जितनी थी उतनी ही रहेगी, दैट मीन्स -1×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गई हमारी फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट है, ये बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अभी हमें पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंट चार्ज क्या, यही फॉर्मूला लगेगा हमारा गॉसियन सरफेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें गॉस थ्योरम ही लगेगी, यही वाला, मतलब फ्लक्स नेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन का ε₀। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्यू इनसाइड अपॉन का ε₀। पॉइंट चार्ज की वैल्यू निकालेंगे जो उसके अंदर है, मतलब इनसाइड वाले चार्ज की वैल्यू। तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, फ्लक्स इंटू ε₀। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, विद साइन रखना है हमको, यहाँ पर कोई मैग्नीट्यूड का चक्कर नहीं है। तो -1×10³ × ε₀ की वैल्यू कितनी होती है, 8.854×10−12। ये हमारी वैल्यूज़ हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास चार्ज आ जाएगा। तो हमारा ये क्यू का आंसर है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 8.854×10−9। और 10−9 हमारा क्या हो जाता है, नैनो, मतलब ये कूलम है ना, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8.854 नैनो कूलम। ये है इसके अंदर चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज जो है वो एक नेगेटिव है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।